हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता। आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे वो है ब्लीडिंग हार्ट। इसका साइंटिफिक नेम है क्लेरोडेंड्रम थॉम्सोनी। अगर आप सिर्फ ब्लीडिंग हार्ट डाल के आप इसको सर्च करेंगे तो आपको वो प्लांट मिलेगा जिसके फ्लावर्स हार्ट शेप के होते हैं। इसके फ्लावर वाइट विथ रेड होते हैं, पर ये हार्ट शेप का एग्जैक्टली नहीं होता। इसके दूसरे नाम है ब्लीडिंग ग्लोई फ्लोअर बैक फ्लावर या ब्लीडिंग हार्ट वाइन। ये एक समर का प्लांट है और जैसे जैसे ये विंटर्स की तरफ जाता है तब ये डॉर्मेंसी में चले जाता है। मतलब आपको मार्च महीने से मैक्सिमम अक्टूबर महीने तक इसमें फ्लावरिंग दिखेंगी और उसके बाद अक्टूबर के बाद जैसे जैसे ठंडी आने लगता है तब से ये अपनी पत्ती या झड़ाना स्टार्ट कर देता है और ये डॉर्मेंसी में चले जाता है। तो इसमें जैसे जैसे फ्लावर आ जाएंगे तो आप उसके एंड को काट दीजिए, जो नए फ्लावर्स आने वाले हैं उसको छोड़ दीजिए और जितनी आप प्रूनिंग करेंगे तब उतना ये बुशी हो जाएगा, क्योंकि एक ट्विक के एंड में ही फ्लावर्स है और उसके बाद जब आप उसको काट देंगे तो नीचे से और भी ब्रांचेस डेवलप होंगे। तो उसको प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रूनिंग जब भी फ्लावर आ जाए उसी के तुरंत बाद आप उसको कटिंग करके प्रूनिंग कर दें। ये सॉफ्ट प्रूनिंग बोलते हैं और ये प्रूनिंग अक्टूबर महीने तक ऐसे ही चलते रहेगा। इसकी लीव्स देख लीजिए, बहुत ब्राइट लीव्स हैं। अब जब हम इसकी केयरिंग की बात करते हैं तो पुराने जितने पत्तियां हैं झड़ गई हैं या कुछ पीली हो गई है तो उसको आप निकाल दीजिए और उसके बाद इसकी गुड़ाई करिए। ये महीने में एक बार करने से सफिशियंट है। जब उसका विंटर सीज़न आ जाएगा तब इसमें आप सिर्फ सरसों की खली का पानी डाल के छोड़ दीजिए, बाकी आप इसमें कुछ मत डालिए, क्योंकि डॉर्मेंसी में जब प्लांट चले जाता है तब उसको सिर्फ हम बचा के रखते हैं। उसमें ज़्यादा मैनुअल्स डाल के उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं कराते कि वो मैनुअल को डिकम्पोज करे और उसको यूज़ करे, क्योंकि उसको यूज़ करके तब खुद सिर्फ अपने आप को सर्वाइव ही करना होता है। तो इसकी अच्छे से गुड़ाई कर ले महीने में एक बार और महीने एक बार इसको फर्टिलाइज कर दें। इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए हमको इसमें मस्टर्ड डालना पड़ता है, बोन मील, नीम खली और फर्मी कंपोस्ट, यही चार चीज़ मैं डालती हूँ। तो जब आप गुड़ाई करेंगे तो जो ऊपर के सुपरफिशियल फीडिंग रूट्स हैं वो सारे डैमेज हो सकते हैं। तो अगर वैसे डैमेज हो रहे हैं मतलब आपके इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स हैं और ये रूट बाउंड भी पसंद करता है, तो इसलिए आपको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर प्लांट 2 साल का प्लांट है तो उसको आप थोड़े बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसके एंड्स में मैंने कटिंग कर रही हूँ पूरे एंड्स के टिप की, ताकि ये थोड़ा सा बुशी हो जाए। ये भी ट्रिमिंग हो गई है इसमें, ये भी एक छोटा सा निकला था उसको भी हम ट्रिम कर दे रहे हैं। इसमें फ्लावर्स आए तो इसको हम छोड़ देंगे। ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है यही इस फ्लावर के कैलेक्स हैं और जो बीच में रेड कलर का होने वाला है वो उस फ्लावर्स की एक्चुअली पत्तियां होती हैं, जिसको हम कोरोला बोलते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये मस्टर्ड है जिसको हम सरसों खली बोलते हैं। इसको सरसों खली हम इसमें छोटा चम्मच है वो आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि काफ़ी क्लोज वीडियो है, जिसमें 2 चम्मच के आसपास मतलब 2 ग्राम के आसपास सरसों खली डाल दें। ये बोन मील है, बोन मील भी मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि महीने में एक बार करना है तो सफिशियंट हम डाल देंगे, क्योंकि अभी ये ब्लूमिंग सीजन है इसलिए उसको न्यूट्रिएंट्स और उसकी ज़रूरत है। और नीम खली डालेंगे थोड़ा, नो नीम खली भी मैं 2 चम्मच ही डाल रही हूँ। आप अगर इसमें आप ऑर्गेनिक छोड़ के अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें पोटाश ऐड कर सकते हैं, सिंगल फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो 2 मुट्ठी आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट नेचुरल, अगर आपके पास कोई भी मैनुअल नहीं है तो आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट 2 बार डाल दीजिए महीने में तो वो भी सफिशियंट है। इसको डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद ये रेडी है मेरा प्लांट अब 1 महीने के लिए, और 1 महीने के बाद फिर से हम इसकी केयरिंग करेंगे। उसके बीच में इसमें कुछ सिर्फ रोज़ हमको 2 बार पानी डालना है
और हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट क्योंकि ये वाइन जैसा भी होता है, बेल जैसे, इसमें अगर आप क्लाइंबिंग कुछ डाल देंगे तो उसमें वो क्लाइंब करके ऊपर में भी जा सकता है, और आप इसमें अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये हैंगिंग भी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हैंगिंग में आपने इसको लगाया है तो उसकी बहुत सारी बेलें नीचे गिरेंगी और साथ में फ्लावर्स भी नीचे की तरफ फ्लो करेंगी, वो भी बहुत सुंदर दिखता है। तो आप दोनों वेराइटीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रूनिंग कर लिया तो ये बुशी हो जाएगा, और अगर आपने प्रूनिंग नहीं किया है तो फिर वो लंबा होता जाएगा। 13 फीट के हाइट तक ये लंबा हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से केयरिंग कर रहे हैं। पर हाँ, थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको थोड़ा से बड़े गमले में आप शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है, ये कटिंग से भी लग जाता है। ये मेरा जो ये प्लांट है, मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है। तो बारिश के सीजन्स आ रही हैं, तो अगर आपके पास आस पड़ोस में कहीं है और आप उनसे ले के आप कटिंग ला सकते हैं तो उससे लगा सकते हैं। आगे स्टे ट्यून्ड रहिएगा। थैंक यू।